Hello everyone, today in this video I will be telling you about DOS, which is your disk operating system. So पहले मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है एंड देन जो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करूँ तो एग्जाम में इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेंगे कि DOS क्या होता है एंड इसकी दो कमांड्स हैं, इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड्स. तो वो आपको बोलेंगे कि पांच इंटरनल कमांड्स बताओ एंड पांच एक्सटर्नल कमांड्स बताओ विद देयर सिंटेक्स. तो मैं इस वीडियो में आपसे वही डिस्कस करूंगी एंड जिस पैटर्न में मैं लिख रही हूँ मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी आप भी सेम वैसे ही एक्सप्लेन करो अपने एग्जाम में. सो स्टार्टिंग विद व्हाट डॉस इज, सो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जो डॉस है इट वॉज आर फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला था, जो जिसको हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते थे, मतलब अभी भी हम करते हैं. सो इट इज़ अ नॉन ग्राफिकल लाइन ओरिएंटेड कमांड और मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिलेटिवली सिंपल इंटरफेस बट नॉट ओवर फ्रेंडली इंटरफेस. मतलब ये नॉन ग्राफिकल है, इसमें आपको कोई इमेजेस वगैरह कुछ दिखेगा नहीं और ये काफ़ी सिंपल है. मतलब जैसे अगर आप विंडोज 10 यूज़ करते होगे तो आप देखोगे कि वो कितना, मतलब उसमें फोटोज़ हैं, सब कुछ है, बट वो एक ऐसे ब्लैक स्क्रीन थी जिसपे कुछ कमांड्स के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा. अब इसमें हमारी दो कमांड्स आती हैं, एक है इंटरनल कमांड्स एंड दूसरी है एक्सटर्नल कमांड्स, जो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. सो स्टार्टिंग विद द इंटरनल कमांड्स, सो कमांड्स विच आर पार्ट ऑफ द मेन फाइल आर कॉल्ड एज इंटरनल कमांड्स. मतलब जब आप डॉस को अपने कंप्यूटर में लोड करते हो उस टाइम पे जो इंटरनल कमांड्स है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है कंप्यूटर के अंदर. मतलब आपको कहीं अलग से इसको इंस्टॉल वगैरह करने की अपने कंप्यूटर में ज़रूरत नहीं है. नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक DIR, कॉपी, REN, DEL, CD, RD, MD, which are examples of your internal commands. Next, हम कोई भी पांच इनमें से internal commands जो है वो समझेंगे, उनका syntax क्या होता है वो देखेंगे. So these are some of the internal commands. So the first one is MKDIR or you can just write MD. So ये जो command है ये हमें help करती है directories create करने के लिए. So इसका normal सा syntax है कि आप MD लिखो and then just write your file name and आपकी जो directory है वो एक directory create हो जाएगी. Next is your DIR. जो भी आपने directory बनाई है उसके अंदर मे बी आपने files वगैरह बनाई हो तो उन सब की जो list है वो हम इसके थ्रू, इस command के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं. सो इसका सिंटेक्स है DIR और जो भी डायरेक्टरी का नाम है जिसकी भी जिसके अंदर की लिस्ट ऑफ फाइल्स आपने देखनी है आप वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ योर कॉपी कॉन. सो अगर आपको एक डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल बनानी है सो यू कैन यूज़ दिस कमांड कॉपी कॉन. यू जस्ट हैव टू राइट कॉपी कॉन एंड आपकी फाइल का नाम. Next is your del or erase. So it is used to delete any file. So you just have to write del and your file's name like abc.tmp या फिर आप erase abc.txt भी, जो भी आपका फाइल नाम है आप उसके हिसाब से कर सकते हो. Next one is your date. So जो भी current date होगी आपके system पे वो display हो जाएगी through this. So you just have to write date slash ये brackets में slash t and your date. आई वुड रिकमेंड कि आप ये सारे जो कमांड्स हैं ये एक बार पर्सनली भी अपने कंप्यूटर पे एक बार खुद ट्राई करें. वैसे आपके प्रैक्टिकल्स में आपसे सब कुछ करवाएंगे बट फिर भी मैं आपसे ये होप करूँगी कि आप ये कमांड्स खुद से एक बार ट्राई करें. सो नेक्स्ट वी विल एक्सप्लेन अबाउट एक्सटर्नल कमांड्स. सो इट इज़ अ कमांड विच इज़ नॉट एम्बेडेड इन टू कमांड डॉट कॉम. सो ये वो कमांड्स हैं जो कि कमांड्स डॉट कॉम में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है एंड तभी हमें इनको यूज़ करने के लिए एक सेपरेट फाइल जो है वो यूज़ करनी पड़ती है. सो ये डॉट ई एक्स सी या डॉट कॉम प्रोग्राम्स हैं जो आपके हार्ड ड्राइव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं. सो जो आपका एम एस डॉस है वो इन फाइल्स को लोड कर सकता है अपने में जस्ट लाइक इंटरनल कमांड्स. अगर आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करो कि वो डॉस प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट
करें, तभी ये भी आपके डॉस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ द एक्सटर्नल कमांड्स. सो द फर्स्ट वन इज़ MORE, मोर. सो इट हेल्प्स अस टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल. सो हमारे पास एक इंटरनल कमांड है टाइप नाम की, तो उसका भी रोल यही है कि वो फाइल के कंटेंट्स जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाती है. बट हम मोर तब यूज़ करते हैं जब किसी फाइल में 25 लाइन से ज़्यादा का मैटर हो. सो इन दैट केस वी यूज़ मोर. सो इसका सिंटेक्स है टाइप, फाइल नेम एंड आई एंड मोर. नेक्स्ट इज़ योर MEM. तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो फ्री और यूज्ड मेमोरी है वो बताता है. आपको सिंपल MEM लिखना है एंड वो आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर में कितना फ्री स्पेस है और कितना आपने यूज़ कर लिया है. नेक्स्ट इज़ आर SYS. सो इट इज़ यूज टू कॉपी अ फाइल टू अ डिस्क. एक फाइल को एक डिस्क में कॉपी करवाता है. इसका सिंटेक्स है SYS एंड योर ड्राइव नेम. जो भी आपका ड्राइव है आप उसका नाम लिख दो, जिसे आपको ए में कॉपी करवाना है, ए ड्राइव में या फिर सी ड्राइव में, तो आप वो यहाँ पे लिख दो. नेक्स्ट इज़ आर एक्स कॉपी. सो इट हेल्प्स अस टू कॉपी अ डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. तो इसका सिंटेक्स है एक्स कॉपी, और जो भी आपकी डायरेक्टरी है जिसको आपने कॉपी करना है उसका नाम और जिस पोजीशन पे आपने या जिस लोकेशन पे आपने उसको कॉपी करना है उसका नाम. आर लास्ट वन इज़ मूव. सो नाम से ही पता चल रहा है, इट हेल्प्स अस टू मूव फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. इसमें आपको मूव लिखना है, देन द फाइल नेम जो आपको जिसको मूव करवाना है, एंड एक्स एंड योर टारगेट पॉइंट जहाँ पे आपने अपना अपनी जो फाइल है उसको मूव करवाना है वो लोकेशन का नाम. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू लाइक दिस. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.